Now this is the last video of this chapter, Germany. Germany is a landlocked country surrounded by Netherlands, Belgium, Luxembourg, France, Switzerland, Austria, Czech Republic, Slovakia, Poland and Denmark. Berlin is its capital city. तो जर्मनी जो है वो ये सारे हिस्सा जो है उसके अंदर इंक्लूड है और बर्लिन उसका कैपिटल सिटी है. जर्मनी इज़ मेनली डिवाइडेड इनटू टू नेचुरल पार्ट्स. जर्मनी जो है नेचुरली दो पार्ट में डिवाइडेड है, स्नो डिपॉजिटेड सॉइल एंड सैंडी प्लेन्स एंड माउंटेनियस रीजन्स ऑफ आल्प्स इन साउथ. तो एक जो कि बर्फ से घिरा हुआ और माउंटेन और सैंडी प्लेन्स है और दूसरा जो कि एक जो है वो बर्फ़ से और सैंड से घिरा हुआ प्लेस है और दूसरा जो है माउंटेन का है. Now the Oder, Elbe and Rhine are the main rivers of Germany. Most of the rivers are used as waterways. There is difference in the climate condition of the eastern and western part of Germany. East or western part mein climate mein zyada fark hota hai. As we move from the west to the east, the winter are colder and summers hotter. अगर हम वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाते हैं तो वहाँ पर विंटर जो है वो ज़्यादा ठंडी होती है और समर जो है वो ज़्यादा गर्म होते हैं. इन साउथ जर्मनी विंटर इज़ मॉडरेट और साउथ जर्मनी में विंटर नॉर्मल होता है. हियर फ्रांस में एफिल टावर है, रोम में इटली में रोम और इटली में वेनिस जो है वो हमें दिखाई देता है. स्पेशल प्लेसेस ऑफ यूरोप, ये तीन जो है वो यूरोप के स्पेशल प्लेसेस है. द इफ़ेक्ट ऑफ क्लाइमेट इज़ सीन ऑन द वेजिटेशन. वेजिटेशन पर जो कि एग्रीकल्चर है, खेती काम, उस पर क्लाइमेट का असर पूरे पूरा दिखता है. कॉनिफ्यूरस फॉरेस्ट इन द कोल्ड रीजन्स, वेर एज इन द मॉडरेट प्रोविंसेस ओक, बर्च, एश एंड बीच ट्रीज आर फाउंड. ये सब तरह के जो ट्रीज़ हैं वहाँ पे पाए जाते हैं. कॉल एंड आयरन आर ऑब्टेन फ्रॉम रोअर एंड थाइसेन. जर्मनी इज़ लीडिंग कंट्री ऑफ द वर्ल्ड इन इंजीनियरिंग इंडस्ट्री. इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में दुनिया में सबसे आगे जो है वो जर्मनी है. द मेन सिटीज़ ऑफ जर्मनी आर म्यूनिच, हैम्बर्ग, फ्रैंकफर्ट एंड स्टटगार्ट. सो हियर योर चैप्टर एक्सप्लेनेशन ओवर. आई होप यू लाइक इट. थैंक यू.